हेलो, वेलकम टू विप्रोमाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला। देर आर डिफरेंट मेथड्स टू डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला, बट आज इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एंड होप यू ऑल नो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर किसी को कुछ भी डाउट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का वीडियो मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ओके, सो जिसे हमने डिस्कस किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, दैट फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज वन। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा अदर देन वन उससे पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर a है तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाय a प्लस बी एक्स बाय a प्लस सी बाय a इज इक्वल्स टू जीरो बाय। ओके, सो ए गेट कैंसिल हियर, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज प्लस सी बाय ए, इसको हम आरएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए। ओके, नाउ हम एलएचएस में एज अ कंप्लीट स्क्वायर टर्म लेके आएंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे एंड दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू एज अ होल स्क्वायर वैल्यू। ओके, सो उसके लिए हमारे पास तीन टर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स, दो ही टर्म है, तो हमको थर्ड टर्म भी चाहिए दैट इज बी स्क्वायर टर्म। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म इज नथिंग बट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। इसको एज ए इक्वेशन वन लेते हैं, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, वो एक्स हो सकता है वेरिएबल, वाई जेड, जो भी वेरिएबल होगा। ओके, सो दैट विल बी नथिंग बट द थर्ड टर्म, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी बाय ए, सो बी बाय ए द होल स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट बी इंटू ए वन, सॉरी, सो बी बाय टू ए द होल स्क्वायर। ओके, सो इसको हम एज अ बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर लिख सकते हैं या एज इट इज रख सकते हैं, दैट इज बी बाय टू ए द होल स्क्वायर। सो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड टर्म। तो ये इक्वेशन जो दैट इज इक्वेशन वन जो है उसके एल एच एस और आर एच एस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दैट इज बी बाय टू ए द होल स्क्वायर। सो एडिंग बी बाय टू ए द होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन वन। ओके, सो इक्वेशन वन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस b by a x plus b by 2a the whole square is equal to RHS में भी add करें that is b by 2a the whole square, sorry, b by 2a the whole square minus c by a। okay, so now अब यहाँ पर LHS में जो है that is a square plus this is 2ab term plus b square, so वो हम स्टेप दिखाएंगे दैट इज इट इज़ अ टू ए बी टर्म, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए, ए क्या है यहाँ पर एक्स इंटू बी, बी क्या है यहाँ पर बी बाई टू ए, बी जो टर्म है दैट इज नथिंग बट बी बाई टू ए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी बाई टू ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज बी बाई टू ए द होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पर देखिए ये टू टू अगर कैंसिल हो जाएगा तो टू टू गेट कैंसिल, सो ये हो जाएगा बी इंटू एक्स दैट इज बी एक्स बाई ए, दैट इज बी एक्स बाई ए, ये सेम टर्म
यहाँ पर भी आ रहा है, अंडरस्टूड, जिस हमने उसको 2ab के टर्म्स में लिख दिया, ओके, इज इक्वल्स टू आर एच एस में बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए, अंडरस्टूड। सो नाउ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी द होल स्क्वायर, सो यहाँ पर a क्या है, x प्लस बी बाय 2a द होल स्क्वायर, अंडरस्टूड, इज इक्वल्स टू, अब 4a स्क्वायर एंड a, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे सो दैट इज नथिंग बट 4a स्क्वायर, सो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस, यहाँ पर a था तो 4a स्क्वायर हमने इसका डिनोमिनेटर बनाया, तो मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4a से, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4a इंटू सी दैट इज 4ac, अंडरस्टूड। नाउ वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ x, सो x को हम एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे, बट उसके लिए पहले ये हम स्क्वायर हटाएंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज 4a स्क्वायर, अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, दिस इज रूट 4a स्क्वायर, सो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, सो ये हो जाएगा रूट 4 इज नथिंग बट 2 एंड रूट ए स्क्वायर विल कम a, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a, अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ हम x को एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x इक्वल्स टू, ओके, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं रब कर रहा हूँ, सो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ओके। सो x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर प्लस b बाय 2 है, आर एच एस में हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b बाय 2 a प्लस और माइनस, प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, डिवाइड बाय 2a, अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ इसका भी डिनोमिनेटर 2a है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो इन दोनों को हम प्लस और माइनस जो भी है वो कर सकते हैं, तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, अंडरस्टूड। सो x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, दैट इज नथिंग बट माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, और x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, अंडरस्टूड। सो दिस आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अंडरस्टूड। सो अब ये जो फॉर्मूला आया दैट x इक्वल्स टू दिस कैन बी यूज डायरेक्टली टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़ा, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड दिस इज द थर्ड मेथड दैट डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो एक्स का हम वैल्यूज फाइंड आउट करते थे फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका ए बी एंड सी, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म, वो वैल्यूज फाइंड आउट करके ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो हमको x का वैल्यूज मिल जाएगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज नथिंग बट अ डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, होप यू हैव अंडरस्टूड, अगर आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो नाउ नेक्स्ट सेशन में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर जो बेस क्वेश्चंस होते हैं दैट हाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स, उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।